बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद से ही बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन पहले से ही बढ़त बनाता दिख रहा है और अब बीजेपी के सभी बड़ी उम्मीदें यूपी से थी, वो भी वहां पर भी झटका लगता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीएसपी चीफ ने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल और अखिलेश यादव को मिल गया मायावती का साथ। राहुल और अखिलेश ने उठाई जो मांग, मायावती ने भी कर दिया समर्थन। बीएसपी की तरफ से भी मिलने लगे हैं इंडिया गठबंधन को बड़े संकेत। मायावती अभी भले ही दावा कर रही है कि बीएसपी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में एंट्री कर सकती है। इस बीच बिहार की जातिगत जनगणना का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और अब मायावती ने भी इस आवाज में अपनी आवाज मिला दी है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, बिहार सरकार की तरफ से कराए गए जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं। उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी और एसटी आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने के साथ घोर ओबीसी और मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं। इसके साथ ही मायावती ने बीजेपी सरकार से कहा है कि वो पूरे देश में जातीय जनगणना कराए। मायावती ने जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है और इंडिया गठबंधन की मांग का समर्थन किया है, उससे साफ है कि कुछ दिनों में यूपी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।